चीन की बुलेट ट्रेन भारत के अरुणाचल बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच गई है। चीन ने हाल ही में तिब्बत में पहली बार पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। ये ट्रेन हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे तिब्बत की राजधानी ल्हासा और निंगची को जोड़ेगी। आपको बता दें कि चीन ने इस ट्रेन प्रोजेक्ट को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास शुरू किया है। क्या खास है चीन के इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में? तिब्बत में पहुंची चीन की इस बुलेट ट्रेन की रेलवे लाइन लगभग 450 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी चीन की इस बुलेट ट्रेन की। सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन पर ल्हासा निंगची सेक्शन के बीच 9 स्टेशनों पर रुकेगी ये बुलेट ट्रेन। ल्हासा निंगची के बीच रोड की तुलना में 5 घंटे से घटकर सफर अब 3.5 घंटे का रह जाएगा। शालन से निंगची के बीच करीब 6 घंटे का सफर अब 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। ये तिब्बत इलाके में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी। आपको बता दें कि चीन में 1 जुलाई को मौजूदा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चीन ने तिब्बत में ये बड़ी बढ़त बना ली है। आइए जानते हैं कि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की और क्या खास बातें हैं। तिब्बत पहुंची चीन की बुलेट ट्रेन करीब 47 सुरंगों से होकर गुजरेगी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां पर यारलुंग जांगबो कहा जाता है, उस पर ये 121 पुलों को लगभग 16 बार पार करेगी। बुलेट ट्रेन के रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई का कुल 75% केवल सुरंगें और पुल ही हैं। साल भर में 10 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। आपको बता दें कि तिब्बत में ये चीन की दूसरी रेलवे लाइन है। इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि ये बॉर्डर पर स्थिरता लाने में मदद करेगी। तिब्बत का निंगची भारत के अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब है और चीन जब तब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है, जिसका भारत की तरफ से कड़ा विरोध किया जाता रहा है। भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिस पर पिछले साल से ही तनाव बना हुआ है।